आज हमारे बीच में भारत सरकार की यशस्वी वित्त और कॉरपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी पधारी है। हम सब उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मुझे याद है ये समय उनका सबसे महत्वपूर्ण समय है, जब उनको 2023 का बजट संसद में प्रस्तुत करना है। इस महत्वपूर्ण समय पे और इस चिटुड़ती ठंड के अंदर आप रात को ट्रेन से चलकर सुबह 3:30 बजे कोटा पहुंची, इससे मुझे लगता है कि वह थड़ी पर काम करने वाला स्ट्रीट वेंडर हो, युवा हो, महिला हो, पशुपालक हो, किसान हो, उनके प्रति आपका कितना कमिटमेंट है कि आप दिल्ली से देर रात्रि को चलकर सुबह यहां पर पहुंची। और इसीलिए ये समस्त कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोग आपका अभिनंदन करने, स्वागत करने आए हैं। मुझे याद है कि भारत के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपना जीवन गरीबी जैसे जिया, उनकी मां ने स्वर्गीय मां ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में पाला, लेकिन एक कर्म योगी की तरह जिन्होंने अपने जीवन को समाज और देश के लिए समर्पण किया, वो उस गरीब के दर्द को जानते हैं। फुटपाथ पर काम करने वाला, वो चाय वाला हो, चाय मोची हो, सब्जी बेचने वाला हो, फूल बेचने वाली हो, नाश्ता बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, हर गरीब स्ट्रीट वेंडर की उन्होंने चिंता की। और पीएम स्वनिधि के माध्यम से देश का गरीब आत्मनिर्भर हो, 2 टाइम की रोटी का उसका इंतजाम हो, देश के नौजवानों को मुद्रा बैंक में लोन मिलकर वो आत्मनिर्भर खड़ा हो, स्टार्टअप के माध्यम से कई योजनाओं के माध्यम से उनको ऋण दिलाकर वो आत्मनिर्भर खड़ा हो। ये जो मेरी महिलाएं बैठी है, जो दूर दराज के गांव से आई है, जिन्होंने इस भारत के नवनिर्माण में नया योगदान दिया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया कि गांव की महिलाएं किस तरीके से छोटे छोटा काम कर अपने पैरों पर खड़ा होकर भारत के आर्थिक इंजन को तेज चलाने की ताकत हमारी माता बहनें रखती है। यह हमारा किसान पशुपालक जो दूर दराज के जंगलों में रहकर लोगों को दूध देने का काम करता है, आज दूर दूर से जंगलों से गांव से वह आया है, आज पशुपालक की चिंता की है तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने की है, वित्त मंत्री जी ने की है। जब मैं शहर के अंदर स्ट्रीट वेंडरों से मिलने गया, चाय बेचने वाले, कचोरी बेचने वाले,
फूल बेचने वाली, फल फ्रूट बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, मोची काम करने वाला, छोटे छोटे गरीब व्यक्तियों के पास में गया और मैंने कहा कि बैंक आपके द्वार पर आई है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। और बैंक के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बैंक के अधिकारी भी हर ठेले वाले पर, हर छोटे दुकानदार पर पहली बार पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 10,000 से लेकर 50,000 से 10,00,000 तक हम लोन लेकर आपको आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं। आप जब उन ठेले वालों के पास जाओगे, छोटे लोगों के पास जाओगे जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, कई ठेले वाले ठेले के मालिक नहीं है, किराए पर ठेला चलाते हैं और आज के बाद वो ठेले के मालिक भी होंगे और सब्जी के मालिक भी होंगे, फ्रूट के मालिक भी होंगे, दो टाइम की रोटी का इंतजाम करेंगे। मैंने देखा बूंदी के अंदर किस तरीके एक 20 साल की महिला ने कहा कि मैं अगरबत्ती का काम करती हूं, अगर मुझे मुद्रा बैंक से लोन मिल जाएगा तो 2 मशीन और खरीद कर मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी। इस तरीके से इन छोटे छोटे गरीब व्यक्तियों को जो फुटपाथ पर बैठकर काम कर रहे हैं, जिनका कभी पति बैठता है, कभी घर की महिला बैठती है, कभी बच्चा बैठता है, 24 घंटे लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, उनको जब 10,000 से 50,000 का लोन मिलेगा तो वह अपनी आमदनी को बढ़ा पाएंगे, आर्थिक तंत्र को मजबूत कर पाएंगे। और इसी तरीके से हमारे युवा मुद्रा बैंक के माध्यम से 50,000 से लेकर 10,00,000 तक का ऋण लेकर अपने मालिक होंगे, लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का सपना है। और इसी तरीके से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं बैठी है, आने वाले समय में बैंकों ने कहा है कि हम कोटा से एक मॉडल शुरू करेंगे कि किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप की हर महिला गांव में रहकर 400 से 500 रुपया रोज खुद कमाए और अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत कर हर छोटे छोटे, चाहे वह फूड प्रोसेसिंग का काम हो, चाहे दूध बेचने का काम हो। अभी वित्त मंत्री जी कह रही थी कि इन महिलाओं को जो पशुपालन का काम भी करती है, इनको अगर एफपीओ बना दें, छोटे छोटे ग्रुप बना दें, तो आने वाले समय में कोटा के अंदर ये महिलाएं दुनिया के अंदर बताएगी कि किस तरीके से हमने रोज दूध बेचकर और सामूहिक कलेक्शन कर अमूल से बड़ा एक प्रोडक्ट खड़ा करने का काम किया। और इसी तरीके से ये पशुपालक, ये कोटा व शहर है, ये बूंदी व जिला है, जहां पर पानी है, घास है, लेकिन मारवाड़ से फिर भी हमारा पशुपालक कम है। ये मन में हमेशा मैंने पीड़ा थी कि हम किस तरीके से इन पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाएं। मैं गुजरात के अंदर गया हूं, मैंने गुजरात में देखा है कि हर घर के अंदर पशुपालक 10 से 15 से 25,000 रुपया छोटे छोटे पशु पालकर कमाने का काम करता है। और किसी ने तो अमूल को शुरू किया होगा। आज दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर अमूल के प्रोडक्ट बिकते हैं और आने वाली समय में वित्त मंत्री जी का सपना है ये महिलाएं अमूल के प्रोडक्टों को इस देश में भी बेचेगी और विश्व के अन्य देशों में बेचने का काम भी करेगी, तो कोटा की धरती से शुरू करेगी। और इसीलिए चाहे पशुपालक हो, आज बड़ी मात्रा में पशुपालक आए हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, सरकार ने योजनाएं शुरू की है, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है ठीक है, नहीं तो आपकी गांव के अंदर बैंक आएगी, हर पशुपालक से संपर्क करेगी और पशुपालकों को वह पशुपालन के शेड, चारा, अन्य व्यवस्था करने का काम भी करेंगी। ये पशुपालक क्रेडिट कार्ड योजना का सबसे बड़ा लाभ
अगर देश के अंदर मिला तो कोटा के अंदर मिला, इससे बड़ा लाभ कहीं मिलने वाला नहीं। मुझे कल बैंक के अधिकारी बता रहे थे कि इतना बड़ा आउटरीच क्रेडिट मिला देश में कहीं नहीं रहा, 25 साल 30 साल नौकरी करते हो गए। लेकिन आज मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने सुबह मीटिंग में कहा चाहे बूंदी हो चाहे कोटा हो, हमें टारगेट को नहीं देखना, हमें इस कोटा के अंदर बूंदी के अंदर देश के अंदर चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, छोटा फुटपाथ पे काम करने वाला व्यक्ति हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, पशुपालक हो, किसान हो, उसको सबको आत्मनिर्भर खड़ा करना है। अगर देश का आर्थिक तंत्र, देश का जो इंजन है वह हमारा भारत का सबसे गरीब व्यक्ति है। जिस दिन भारत का गरीब व्यक्ति आर्थिक तंत्र से मजबूत हो जाएगा, दो टाइम की रोटी का इंतजाम करने लगेगा, आज भी दुनिया के अंदर भारत आर्थिक तंत्र के अंदर आर्थिक रूप से सबसे आगे है। आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत आर्थिक ग्रोथ में सबसे आगे होगा, तो हमारे गरीब स्ट्रीट वेंडर, युवा, महिलाएं, पशुपालक, किसान के कारण हुआ। हम नया आर्थिक तंत्र खड़ा करना चाहते हैं, देश के सबसे गरीब व्यक्ति को सबसे मजबूत बनाना चाहते हैं, और यह मजबूत बनेगा बैंक के ऋण लेकर। छोटे छोटे मुझे याद है जब फुटपाथ पर गया तो मैंने कहा 50,000 का लोगे 10,000 का, उन्हें कहा 10,000 का, 10,000 से चुकाएंगे 12 महीने 20,000 मिलेगा, 20,000 चुकाएंगे 50,000 मिलेगा। गांव का व्यक्ति भी समझता है कि अगर हम समय पे ऋण चुका देंगे हमारी सिविल ठीक होगी तो बैंक वाला बुलाकर हमें ऋण देगा, और ऋण हमारे आर्थिक तंत्र को चलाने में सहायक होता है। मैंने किसानों के, मजदूरों के, गरीब व्यक्तियों के दर्द को देखा है, किस तरीके से सब्जी बेचने वाला, फुटपाथ पर काम करने वाला 3 रुपए 4 रुपए सैकड़े में ब्याज से पैसा लेता है, 10,000 रुपए का ऋण लेता है, प्राइवेट व्यक्ति 1,000 पहले रख लेता है, 9,000 देता है, फिर 24% 2 रुपए सैकड़े ब्याज लेता है। आने वाले समय के अंदर आप निश्चित रहो, कोटा के अंदर हर गरीब जो फुटपाथ पर बैठा है आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा, आज से शुरुआत हुई है, और ये शुरुआत जब तक अंतिम व्यक्ति को ऋण नहीं मिल जाएगा जब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप की, छोटे छोटे घर पर काम करती है, कोई ब्यूटी पार्लर का काम करती है, कोई फूड प्रोसेसिंग का काम करती है, कोई खाना बनाने का काम करती है, कोई टिफिन का काम करती है, कोई मुंगड़ी बनाने का काम करती है, कोई पापड़ बनाने का काम, बहुत छोटा छोटा काम। और मेरा सपना यही है कि मैं मेरी महिलाओं को 300, 400, 500 रुपए घर बैठकर उसको काम मिले, इसलिए उनको कच्चा माल कोई कंपनी देगी, फिनिश्ड माल बनाकर देगी, और उसका वैल्यू एडिशन करने का काम भी आने वाले समय में हम करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आज आप बड़ी संख्या में यहां पर आए, बड़ी अपेक्षा से आए, आकांक्षा से आए, आप निश्चित रखिए बैंक के सेक्रेटरी साहब ने भी कहा, वित्त मंत्री जी का भी सपना है कि हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत करना, ऋण देकर उसको संबल प्रदान करना, ताकि वह अपने काम को, अपने व्यापार को, अपने उद्योग को, अपने व्यवसाय को, चाहे घर पे करता हो चाहे कहीं भी करता हो, खड़ा हो सके, और उस ऋण को भी चुकाकर अपने जीवन को ठीक से यापन कर सके। मैं पुनः यहां पर पधारे वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे पता है कि एक दिन भी दिल्ली से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वह कमिटमेंट की हमेशा पक्की है। उन्होंने कहा मैं ट्रेन से आऊंगी, सुबह जल्दी उतरूंगी, लेकिन मैं किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब के लिए हमेशा मेरा जीवन समर्पित रहा है। मैं पुनः उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप निश्चित रखिए जो लोग यहां आए अपना रजिस्ट्रेशन कराए, नहीं तो नाम पता टेलीफोन लग गया है। हर गांव के अंदर आने वाले समय अभियान चलेगा, बैंक के अधिकारी आप तक पहुंचेंगे, और जिन लोगों के फार्म जमा है, ऋण नहीं मिले हैं, उनको भी सबको ऋण मिलेगा, और कोई कमी होगी तो उसकी पूर्ति होगी। लेकिन आप निश्चित मानो, सरकार का मत स्पष्ट है
कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आर्थिक संबल देकर भारत के ग्रोथ इंजन को मजबूत खड़ा किया जाए। यही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।